अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों भी आते ही यहाँ पे गन देखने को मिलता है, जो कि हर हफ्ते ये बहुत ज्यादा गन मचा देते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ की सफाई कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे। तो सफाई वगैरह मैंने कर ली है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये सारी जगह बाहर से भी मैंने सफाई की है और अंदर से भी की है। मैं आपको अंदर से जाके दिखाता हूँ पहले। खुल जा भाई, बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये सारी मैंने यहाँ की सफाई कर दी है और इनको भी मैंने खोला नहीं, इनको खोला और कबूतर बाहर निकला है। हालांकि इसको मैंने बंद किया हुआ था, मैंने खोला नहीं था। ये सुराख से निकला है, पीछे यहाँ वाले भी अक्सर सुराख से निकल आते हैं। तो अभी इनको बाहर निकालते हैं, लेकिन अंदर बैठे हुए हैं, इनको बाहर निकालते हैं। आ जाओ भाई, बिस्मिल्लाह। इसकी कबूतरी भी अंदर बैठी हुई है अंडे पे, उनको भी निकालते हैं भाई। अच्छा मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या किया है कि ना, एक दिन ना मैंने रात को ना इनका दरवाजा बंद नहीं किया और ये खुले रह गए हैं। तो ना इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना अपना एक अंडा जो था ना, इनका एक अंडा जो था ना इनके पास, उन्होंने ना उसको नीचे फेंक दिया और वो टूटा पड़ा था अगले दिन। जब मैंने देखा ना, हालांकि इनका अंडा सही होता है, इसका अंडा खराब होता है। पता नहीं क्या मसला है, मैं इसको दवाई तो दे रहा था लेकिन इसका अंडा सही होता है। इन्होंने अपना अंडा तोड़ दिया, इन्होंने फेंक दिया अंडा। और जो हमारी ये कबूतरी है, इसने क्या किया, ये यहीं बैठी हुई थी ना अंडे पे, दो अंडों पर बैठी हुई थी, तो इसने ना अपने नीचे ही बैठे बैठे ना अंडे को जोर दिया और एक अंडा ना इसका टूट गया था। तो उसको फिर मैंने फेंक दिया। अब ये एक अंडे पे बैठी है, वो एक अंडे पे भी नहीं बैठे, उनके नीचे एक अंडा भी नहीं है। तो अभी जो है ना, मैं इनको ना रोटी वगैरह डालता हूँ इनको बाहर निकाल के। बाहर माशाल्लाह से धूप वगैरह भी है, इनको पहले खोलते हैं और बाहर डालते हैं। ये छोले वगैरह ले आया हूँ मैं, इनको ये डालते हैं। चलो भाई, बिस्मिल्लाह। आ जाओ भाई, माशाल्लाह। अंडा वगैरह दिया है अंदर? नहीं, अंडा नहीं आया आज भी। अच्छा, इनके ना दो अंडे आए थे पिछले दिनों, मैं आपको दिखाता हूँ। एक अंडा जो है ना, एक अंडा है तो बिल्कुल सही, लेकिन ना वो अंडा, उसकी जो शेप है ना, उसकी शेप बहुत डिफरेंट है। अक्सर जो अंडे होते हैं ना, ओवल शेप के होते हैं, वो अंडा उस तरह का नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, अजीब सा अंडा दिया हमारी इस मुर्गी ने, ये वाली मुर्गी जो है ना, इसने दिया। मैं आपको पहले दिखाता हूँ अंडा, दो अंडे इन्होंने दिए थे पिछले दिनों, इसमें रखे हुए हैं मैंने। बिस्मिल्लाह, ये दे। ये अंडा लग रहा है कहीं से आप? ओए ओए, हमारी ये टूट गई है, ढक्कन टूट गया। उस टाइम मेरे का ढक्कन भी क्रैक हो गया था, ये वाला ढक्कन, ये भी आज क्रैक हो गया। पता नहीं इनको क्या हो रहा है। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ अंडा। ये देखिए, ये अंडा है ओवल शेप का। दूसरा अंडा दिखाता हूँ मैं आपको, जो सही अंडा। दूसरा अंडा किधर गया? दूसरा अंडा ही नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये देख, ये अंडा देख रहे हैं, ये अंडा अंडा लग रहा है। वो जो दूसरा अंडा है ना, वो इतना लंबा अंडा है ना, लगता नहीं है कि अंडा ही है। ये देख, ये इतना लंबा अंडा है, अंडा नहीं लगता। चलें, फिर भी अब इसको ना हम डालेंगे इंक्यूबेटर में। आपने दुआ करनी है कि ना ये अंडा फर्टाइल हो, इसमें से बच्चा निकला है, अल्लाह करे।
हो सकता है कि ना ये जो इस तरह का अंडा आया है ना, तो इसमें दो जर्दियां हों, यानी जो पीली जर्दी होती है ना उसमें दो हों। अब डालेंगे तो पता लगेगा, तोड़ना तो हमने इसको है नहीं, तो अभी इसको आप यहीं रख देते हैं, इसको नीचे ले जाएंगे। क्या हो गया? अभी मुझे लगता है पाँव के नीचे आ गई थे मेरे, मुझे पता नहीं चला पाँव के नीचे आ गया। अच्छा इनको ना बाहर खोल देते हैं अभी, इनके धूप निकली हुई ना बाहर जाएंगे। आ जाओ भाई बाहर जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जाओ जाओ जाओ, अभी जाएंगे बाहर। जाओ टप्पा मारो जोर से, ये गई। चलो भाई माशाल्लाह, आजकल जो मौसम है ना, बादल वगैरह भी रहते हैं और धूप वगैरह भी निकल आती है। ये देखें बादल थोड़े बहुत आ जाते हैं, फिर धूप निकल आती है, फिर बादल आ जाते हैं, धूप दोबारा निकल आई है और ये माशाल्लाह बाहर निकल आए हैं। और जो हमारा देसी मुर्गा ना, उसको हम अंदर ही खोल देते हैं ताकि वो लड़ाई ना करें। बब्लू आ जाओ, आ जाओ बब्लू बाहर आ जाओ, एक मिनट अब आएगा बाहर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गया माशाल्लाह। चलें अब इसको ना दाना वगैरह करते हैं। इनको दाना भी मैं इनका ले आया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दाना है, दाना ख़त्म हो गया था तो मैं काफ़ी सारा ले आया दाना इन्हीं के एक ही दफ़ा। कबूतर भी यही दाना खाते हैं और ये मुर्गियाँ भी यही दाना खाती हैं, तो कबूतरों और मुर्गियों को दाना पानी कर देते हैं पहले। दाना जो है ना इसको डाल देते हैं। आ जा भाई बबलू दाना खा लो, चलो ये आराम से दाना खाता रहेगा। हम कबूतरों को दाना कर देते हैं पहले, इसमें डाल दिया और ये आ गया, इसमें दाना ज़्यादा आ गया, इसको इसमें डाल देते हैं। अब ये भी बाहर आके दाना करते रहेंगे दाना पानी। अब इनको पानी डालना है, बाकी पानी इनको डालते हैं अभी बाहर, मुर्गियों को डाल देते हैं पहले दाना। चलो भाई हमारी मुर्गी दाना को देख किस तरह आ गई भागते हुए, वो देख वो भी आ रही भागती हुई आ रही है माशाल्लाह। भूख लगी हो ना फिर इस तरह भाग, इसमें से नहीं खाना, चलो पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ, अभी सबर डालता हूँ मैं, पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ, दाना ही नहीं डालने दे रहे यार। चलो भाई ये आराम से जी भर के खाएंगे अब दाना। अब जो है इनके पानी का बंदोबस्त करते हैं, पानी इनको डाल दूँ पहले, पानी भी रख देते हैं। आओ भी पानी पियो, इनको प्यास लगी खड़ी होगी। मैं इनको ना दो टाइम डालता हूँ पानी, एक इस टाइम जब सुबह को नाश्ता देते हैं और एक रात के टाइम जब रात का यानी शाम की रोटी जब इनको डालते हैं ना, यानी दाना ही देता हूँ रोटी में, तो तब उसको पानी पिलाते हैं। तो इसलिए इनको सुबह के टाइम ना बहुत ज़्यादा प्यास लगी खड़ी होती है। इनको डाल दिए छोले जो मैं लाया था ना, ये छोले बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, बहुत शौक से छोले खाते हैं ये। दाना भी खाते हैं शौक से, लेकिन अगर इनको कोई नई चीज़ मिले ना जो इनको पसंद आ जाए, जैसे मसाला होता है छोले में, इनको अच्छा लगता है। छोले के अलावा अगर आप कोई और चीज़ डालें ना, जैसे वो होती है क्या नाम मकई होती है, वो भी बड़े शौक से खाते हैं ये। नीचे चलते हैं, नीचे जाके मैं आपको ना क्वैकी और डोकी से भी मिलवाता हूँ। और ये जो दो अंडे अभी मैंने अंदर रखे हैं ना, उनको लेके जाते हैं इंक्यूबेटर में रखते हैं, इंक्यूबेटर का सूरत हाल दिखाता हूँ आपको कितने अंडे आ गए अंदर। और उसके अलावा हमारे पास जो है ना कुछ नए परिंदे भी आए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कौन से परिंदे हैं। बस नीचे जाते हैं ये ज़रा खा लें, फिर हम नीचे जाते हैं आपको जाके दिखाता हूँ मैं बाकी। अभी आ गए, अब हम नीचे जाते हैं जाके अंडे रख, कहाँ हैं अंडे हाथ में? हाँ चलो अंडे नीचे जाके रख, हाँ ये दिखाया है मैंने आपको, कैसा लगा है? बच्चा भी ऐसा दिख रहा है ना, मुझे लगता है कि ना इसके अंदर शायद दो वो हों जर्दियाँ, हो सकता है, लेकिन अगर हमने तोड़ दिया तो ज़ाया हो जाएगा, खा लेंगे। नहीं नहीं यार, अगर बच्चे निकलते हैं तो अच्छी बात है। चलें जी जाते हैं नीचे जाके आपको दिखाते हैं फिर। हाँ जी पहले नीचे आ गए, हाँ ये देखें ये हमारी चिड़िया, ये देखें आपको नजर ही नहीं आ रही होगी, इस तरफ उठा लेना पहले से, ये देखें नजर नहीं आ रही यार फिर भी, एक मिनट इसका ना वो जो खिड़की है ना वो खोलते हैं फिर दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें ये वाली चिड़िया हमारी, बाकी जो दूसरी चिड़िया है ना हमारे पास वो हमने ऊपर ही रखी हुई हैं, जो पिंजरा हमने बनवाया था। इनको हम उधर नहीं रख सकते क्योंकि वो जो जेबरा फिंचेस है ना वो इनको मारती हैं,
वो किसी भी चिड़िया के साथ ना नहीं रह सकती, वो जब भी किसी चिड़िया के साथ रहे ना वो उसको मारने लग जाती हैं और उनके साथ नहीं रहती, इसलिए मैंने ना अभी इनको यहाँ रखा हुआ है। वो अंडे रख दें अब्दुल्ला फिर अंदर इंक्यूबेटर में, आपको दिखाता हूँ कितने अंडे रखे हुए हैं। और मैंने अभी तक ना इन अंडों की ना जो अंडे रखे हुए हैं ना उनकी ना मैंने कैंडलिंग भी नहीं की, उनकी कैंडलिंग भी करेंगे हम। ये देखें माशाल्लाह 1 2 3 4 5। अच्छा मैं आपको अब्दुल्ला एक बात बताऊँ, जो आयाम से मानी जो हमारे ब्लैकी चैन की जो खुडी है ना उसके अंदर जो मैंने भूसा रखा हुआ है, मैं अंदर देखता तो हूँ कि अंडा पड़ा नहीं पड़ा, कल नहीं 3-4 दिन पहले मैंने किया है, अंदर डंडा मारा है, भूसे के अंदर से अंडा निकला है। अच्छा। और मुझे लगता है वो अंडा काफी पुराना अंडा है। फिर क्या किया जाए? अंदर ही रख दिया मैंने। अच्छा अंडे कहाँ गए दूसरे वाले? यहाँ पड़े हैं। हाँ ये अंडे हम रख देते हैं, डेट लिख लें पहले, लिख लिए। अब इसको ना अंदर डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ये आ गया, एक ये पड़ा है, इसको भी उठा के ना अंदर रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा वो जो अंडा है ना, वो वाला अंडा, वो वही अंडा जो ना मैंने कुटी के अंदर से निकाला था, वो पड़ा हुआ पीछे ये वाला, ये मैंने कुटी के अंदर से निकाला था, काफी पुराना अंडा मुझे लगता है। अब पता नहीं है इसके अंदर से बच्चा निकलता नहीं निकलता, देखते हैं। और अभी मैंने बाकी अंडों की कैंडलिंग भी नहीं की, इनको भी करेंगे कैंडलिंग, देखेंगे फिर पता लगेगा कि इसके अंदर अंडे बन रहे हैं नहीं बन रहे। अल्लाह करे बन रहे हों, इनको मैं बंद कर दूं पहले। ठीक है, ओ क्वैकी बाई निकलाई, क्वैकी डोकी। ये देखें हमारी क्वैकी कितनी बड़ी हो गई है, इसका कलर भी वाइट हो रहा है अब्दुल्ला, देखा आपने? ये देख रहे यहाँ से वाइट हो रहा है, वो यहाँ गर्दन से भी वाइट हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो गई काफ़ी। आ जाओ क्वैकी, इसको दाने के लालच देंगे ना फिर ही आएगी अंदर। क्वैकी ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए भागती भी आ रही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इनको दाना वगैरह मैंने डाल दिया था सुबह के टाइम ना, इनको दाना मैंने डाल दिया था, अब जो है ना इनको अंदर बंद करना है। इनके मैंने सफाई की है, देंगे पानी अंदर रखो ना, सारी अखबार ये ना ख़राब कर देते हैं पानी की वजह से, अंदर पानी बच्चों ने रख दिया था जिसकी वजह से ना ये अखबार सारी ख़राब हुई पड़ी है। चलो भाई आ जाओ काकी, आपको बंद करें अंदर, जाओ बैकी आप भी आ जाओ जाओ। चलो यहाँ भी ये रहेंगे अब आराम से। हमारी वीडियो उम्मीद आप सबको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो हमारे इस चैनल आंगन में खेल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।